कभी कभी ना हम लोगों को ऐसा होता है ना कि इतनी जोरों से भूख लगती है और हमारे पास बिल्कुल टाइम भी नहीं होता कि जल्दी से कुछ बना ले। आज उसी टाइप की आज रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। कुकर में तेल डालेंगे, जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है हम लोग चावल धो लेंगे। आप लोग एक ग्लास डेढ़ ग्लास जितने चावल लेना चाहें लोगों के हिसाब से उतना ले लेंगे। तेल गर्म होने के बाद उसमें हम डालेंगे राई, जीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे प्याज, आप लोग चाहें तो बारीक कटे हुए प्याज भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिला लेंगे, प्याज पकने तक हमें इसे चलाना है। अब हम इसमें मिलाएंगे आलू, आप लोग आलू भी बारीक कट कर सकते हैं और ऐसे भी जैसे आपको पसंद हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा, सौंफ, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, नमक आप लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें अब डालेंगे चावल, जो चावल धो के रखे थे हमने वही डालना है इसमें। चावल डालने के बाद इसे फिर से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे पानी। अच्छा, अगर आप लोगों को पानी की क्वांटिटी समझ में नहीं आती है ना कि कितना पानी डालें, आप लोग एक काम कर सकते हैं, जो हमारी फिंगर होती है फर्स्ट फिंगर, उससे आप लोग ऐसे नाप के चेक कर सकते हैं कि पानी सही है कि नहीं। इस तरह से इतना पानी लेना चाहिए चावल के ऊपर, अगर इतना पानी है मतलब आपके चावल चिपकेंगे नहीं और ना ही गीले होंगे। कुकर का ढक्कन बंद कर लेंगे और इसमें हमें दो सीटी लगाना है। सीटी निकलने के बाद ढक्कन खोले और हमारे बढ़िया से चावल फ्राई किए हुए रेडी है। देखो, ना तो गीले हुए और ना ही हमारे चावल चिपके हैं इसमें। बस आप इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा।